अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ नीलम मुनीर खान। प्रोग्राम एक दिन की नेकी में आप सबको वेलकम कहते हैं। और हमारे साथ आज एक बहुत प्यारी माँ, बहुत प्यारी बहन हुस्ना मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम हुस्ना। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे कैसे हैं आपके? बच्चे भी ठीक ही हैं। चार बेटियाँ माशाल्लाह से आपकी। क्या नाम है चारों के? कायना थे, अरिशा, बिस्मा, और बेटे का नाम वली हसन है। बेटे का नाम वली है। अच्छा, बेटा भी है आपका? तीन बेटियां और एक बेटा है आपका? जी हाँ, सबसे छोटा है। अच्छा, बेटा सबसे छोटा है। कितने साल का है? 15 साल का मेरा। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या करता है वो? पढ़ाई करता है, अभी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हो रही। और जो बेटियाँ हैं वो? वो घर में ही रहती हैं। उन्होंने पढ़ा है? जी हाँ। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि आपने पढ़ाया है अपने बच्चों को। आपके जो शौहर हैं वो क्या करते हैं? सब्जी बेचते हैं। अच्छा, सब्जी बेचते हैं। अब काम भी नहीं हो रहा, वो भी काम नहीं हो रहा सब्जी का। क्यों? बस मतलब वजह क्यों नहीं हो रहा? जा ही नहीं रहे, खुद से नहीं जाना चाह रहे वो? पैसे ही नहीं है तो जाएंगे तो जब लेकर आएंगे बेचेंगे फिर। अच्छा, सब्जियां खरीदेंगे तो उसको फिर जाहिर है मार्केट में बेचने के लिए जाएंगे। आपने हमें ये भी बताया था कि जो सब्जियों का उनका ठेला है वो भी चोरी हो गया। जी, किसी ने चोरी कर लिया। और ये कब हुआ? 2-3 साल हो गए। उसके बाद से नहीं जा रहे? जी हाँ। यानी 2-3 साल हो गए हैं। तो फिर आप कैसे घर का गुजारा, कैसे खर्चा सब? बस को मदद कर देता है कोई ना कोई। तो फिर भी पूरा महीना हम घर किराए का, किराया भी देना। बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ कि घर भी किराए का है, ऊपर से बच्चों की पढ़ाई भी है। जी। आपकी अपनी तबीयत ठीक रहती है? नहीं, मेरे शौहर की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरी भी नहीं रहती। क्या हुआ है आपके, आपको क्या हुआ है? बस बुखार बुखार हो रहा है, हाथ पैरों में दर्द। तो ये जो पूरा जो ठेला जो सब्जी का होता है कितने तक का पूरा बन जाता है? 10-15 हज़ार की आती है सब्जी, 20 हज़ार की आती है, फिर बेचते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि 2-3 साल से इस तरह के वसाइल नहीं बने कि 15-20 हज़ार की सब्जी लेके बेचने जा सके। तो उन्होंने कभी कुछ ये नहीं सोचा कि कुछ और कर लेता हूँ मैं इसके अलावा? होता नहीं है उनसे, कुछ भी नहीं होता, यही सीखा है ना उन्होंने शुरू से, तो यही कर। तो कहाँ पे लगाते थे वो सब्जी का ठेला? फेरी करते हैं गलियों में। अच्छा, गलियों में। और जो ये चोरी हो गया था, ये कहाँ, आपके घर के बाहर से हुआ, कहाँ से हुआ? घर के पास से हुआ। तो फिर मिला ही नहीं, ये तो जिस तरह का मोहल्ला है नहीं मिला। अच्छा, हम जो ये प्रोग्राम भी करते हैं एक दिन की नेकी, हम इसीलिए करते हैं ताकि आपकी जो भी कहानी है, जिस तरह से आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और जिन मुश्किलात का, जिन इम्तिहानात का आप सामना कर रहे हैं, उसको लोगों के सामने लाया जाए और लोगों को तरगीब दी जाए कि जितने भी लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत गरीब हैं, उनको आपकी ज़रूरत है, आप उनकी मदद कीजिए। सिर्फ ये इलाका नहीं है कराची का, कराची में और भी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे माँ बहनें, बाप भाई सब मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उसके बावजूद उनका गुजारा जो बहुत मुश्किल है, किराए के घरों में रहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, इनके भी बहुत सारे ख्वाब हैं और वो सब पूरे होने चाहिए। तो ये प्ले एंटरटेनमेंट की तरफ से उसना बाजी, ये प्ले एंटरटेनमेंट की तरफ से कैश है और घर का राशन भी हम लेके आए हैं और ईद के जोड़े भी हैं हमारे पास आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आप खुश रहें, अल्लाह करे कि आपके जो शौहर हैं वो जो काम करना चाहते हैं सब्जियों का वो दोबारा से कर सकें। अल्लाह ताला आपके वसाइल बनाए। मेरे दिल से दुआएं आपके लिए। इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा।
प्रोग्राम एक दिन की नेकी के साथ मुझे और हुस्ना बाजी को दीजिए इजाजत इंशाल्लाह ताला, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।